नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया पे ऑफिशियली रियलमी जीटी नियो 3 सीरीज के बाद कोई भी जीटी नियो सीरीज का फोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन चाइना पे ऑलरेडी जीटी नियो 5 अवेलेबल है। तो अभी उम्मीद तो हमें रखना ही पड़ेगा कि हो सकता है नेक्स्ट वाला जो जीटी सीरीज मतलब जीटी नियो सीरीज वो डेफिनेटली इंडिया पे लॉन्च होगा। तो नेक्स्ट जो जीटी सीरीज लॉन्च होने वाला है उसका नाम है रियलमी जीटी नियो 6, जिसका डिजाइन से लेके A to Z पूरा स्पेसिफिकेशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए इस वीडियो में आपको इस रियलमी जीटी नियो 6 के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का बार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस बार का जो रियलमी जीटी नियो 6 पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा होगा, मतलब कैसे देखिए लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था रियलमी जीटी नियो 5 या फिर 5AC उसके पीछे आपको जैसा डिजाइन मिल रहा था उसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये जो जीटी नियो 6 इसे बनाया जाएगा। अगर हम इसके पीछे के मटेरियल की बारे में बात करें तो ये पिक्चर देखे मुझे ये चीज लग रहा है शायद इस बार आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मॉडर्न ट्रेंड के जैसा ग्लास बॉडी भी मिल सकता है। फोन का थिकनेस होगा 8.86 मिलीमीटर और वेट होगा 205 ग्राम। और कलर की अगर बात करें ये पिक्चर देख के चीजों को समझ में आ गया होगा, एक कलर आपको डेफिनेटली मिलेगा गोल्डन। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको से मिलेगा 6.74 इंच 1.5K 144Hz 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 1500Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 2160Hz का PWM डिमिंग रेट, 1300 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन। तो इसका मतलब डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में नो डाउट बहुत ही बढ़िया इसका क्वालिटी होगा। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8th Gen 2 प्रोसेसर। कैमरे के मामले में आपको इसे मिलेगा 58x2 का रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो 50 मेगापिक्सल कैमरा ये होगा सोनी IMX 890 वाला सेंसर और उसके साथ OIS EIS दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। रैम और वेरिएंट की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे रैम और स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि 8GB 12GB 16GB रैम वेरिएंट, उसके साथ 128GB 256GB 512GB और 1TB तक का स्टोरेज ऑप्शन भी आपको मिलेगा। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5X और मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0 और उसके साथ कोई भी SD कार्ड का स्लॉट अवेलेबल नहीं। बैटरी में लास्ट बार की जैसा आपको टोटल 2 कॉन्फिगुरेशन मिलेगा, जैसे कि 5080mAh बैटरी के साथ 150W का चार्जर या फिर 4450mAh के साथ 240W का चार्जर और कनेक्टिविटी होगा USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो यही एक्चुअली जो अपकमिंग रियलमी जीटी नियो 6 उसका फुल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो काजल की इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट वो चाइना पे होगा 2800 युआन के आसपास। तो इसका मतलब वो फोन जब इंडिया पे आएगा मतलब अगर इंडिया पे लॉन्च होता है तो प्राइस होगा 40,000 रुपए के आसपास, मतलब 40,000 रुपए से रियलमी जीटी नियो 6 का प्राइस इंडिया पे शुरू होगा अगर इंडिया पे लॉन्च होता है। तो अभी हार्ड वीडियो से देखेंगे कि क्या ये जो स्मार्टफोन 40,000 रुपए पे इंडिया पे सबसे बढ़िया फोन होगा या फिर इससे बेटर दूसरा कोई चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर मैं भी आज के दिन में अमेज़न पे देखेंगे तो इस फोन के साथ एक ही डिवाइस कॉम्पीट कर सकता है, उसका नाम है OnePlus 11R। अगर हम उसके साथ कॉम्पेयर करते पहली बात तो डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन दोनों का एग्जैक्टली सेम, लेकिन फॉर्म फैक्टर में स्लाइटली डिफरेंस है। OnePlus में एक्चुअली आपको स्लाइटली कर्व डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन रियलमी में आपको मिलेगा टोटली फ्लैट डिस्प्ले। प्रोसेसर की अगर बात करें डेफिनेटली इसमें आपको स्लाइटली अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि OnePlus में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। उसके अलावा कैमरा एग्जैक्टली सेम, रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें इधर दोनों तो एग्जैक्टली सेम, लेकिन रैम और स्टोरेज की क्वालिटी के अंदर आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा LPDDR5X और UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन। OnePlus पे चीज मिसिंग है। बैटरी और चार्जर की अगर बात करें तो OnePlus पे आपको मिल रहा है 5000mAh बैटरी 100W का चार्जर और इस फोन का जो बेस वेरिएंट उसमें आपको मिलेगा 5080mAh बैटरी और 150W का चार्जर, मतलब इसमें भी स्लाइटली अपग्रेड। और इसके अलावा जो बाकी स्पेसिफिकेशन जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज कहना चाहूंगा, अगर लकीली ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हो जाता है और वही 40,000 रुपया का लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये जो फोन आपको लेना चाहिए अगर आपका बजट है 40,000 के आसपास तो। लेकिन अगर ये फोन लॉन्च नहीं होता है
तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है, उसका नाम है OnePlus 11R। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताने कि अगर ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होता है तो डेफिनेटली आएगा 40,000 पे। तो अगर 40,000 पे आप इस फोन को लेना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा फोन आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।